वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जुलाई 2018 और 9 जुलाई 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने अनअकैडमी पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साल में 2 बार नीट और जेईई मेंस की परीक्षा कराने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है मानव संसाधन विकास मंत्री ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे दो टर्म आई हैं, नीट और जेईई मेंस, तो इन दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और जेईई की फुल फॉर्म क्या होती है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो अब ये दोनों एग्जाम साल में 2 बार हुआ करेंगे और एक और चेंज हुआ है। पहले इन दोनों एग्जाम को कंडक्ट कराता था सीबीएसई, लेकिन अब इसे कंडक्ट कराएगा एनटीए। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। अब ये डिसीजन लिया मानव संसाधन विकास मंत्री ने, तो इनका भी तो नाम आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम पे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं प्रकाश जावड़ेकर, और ये प्रेजेंट टाइम पे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 11,000 लाइक का, और वो टारगेट आपने पूरा किया। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 13,000 लाइक का। कितना, 13,000 लाइक का, और देखते हैं ये टारगेट आप कितनी देर में पूरा कर पाते हो। पहले आप इस वीडियो को देखो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और वीडियो को लाइक करने के बाद आपके पास जो भी व्हाट्सएप में एजुकेशनल ग्रुप हो उसमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में किसने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो ये जीता है चेहली दलवी हेरा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं यही हैं चेहली दलवी हेरा, और इन्होंने जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब ये हुई कहाँ पे है जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये हुई है ताशकंद में। कहाँ पे, ताशकंद में। अब ताशकंद कहाँ पे है, ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। तो मैप में आप देख लीजिए, ये है उज्बेकिस्तान, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम, और उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला एरिपोव, ARIPOV, अब्दुल्ला एरिपोव। तो ये हैं उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। तो इतना आपको उज्बेकिस्तान के बारे में भी पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित किया है? तो सैमसंग ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया है, नोएडा के सेक्टर 81। सेक्टर 81 में सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थापित किया है। अभी उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल तो आप जानते हैं लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं राम नाईक। तो ये तो है उत्तर प्रदेश के बारे में बेसिक जानकारी। अब मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी भी बता देता हूँ। कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो वारेसिंगा है, याद कर लीजिए वारेसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस या क्रॉच, ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। वैसे मैंने उत्तर प्रदेश के लिए अलग से 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, उत्तर प्रदेश जीके की ये वीडियो हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो यूपी जीके नेक्स्ट एग्जाम आप इतना सर्च करोगे आपको यूट्यूब पर ये दोनों वीडियो मिल जाएंगी, और आप इन वीडियो को देख लोगे तो यूपी जीके का कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो सैमसंग ने दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 81 में खोला है। अब सैमसंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सैमसंग कहाँ की कंपनी है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मार्च 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इतना आपको सैमसंग के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर
किस प्रदेश सरकार ने सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये घोषणा की है कि अगर आप अपने छत पर सोलर प्लांट लगाते हो, यानी कि सोलर पैनल लगाते हो, तब जितना भी खर्चा आएगा उसका 10% सब्सिडी के रूप में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट देगी। 10% या 4,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसे गवर्नमेंट देगी। आपका जितना खर्चा आया उसका अगर आपने 10% निकाला, तो अगर वो 3,090 या 3,900 रहा तो गवर्नमेंट देगी। अगर 4,000 से ऊपर गया, जैसे 4,500 चला गया, तो गवर्नमेंट 4,000 रुपये आपको सब्सिडी के रूप में देगी। ओवरऑल बात यह है कि 4,000 रुपये तक की आपको सब्सिडी देगी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, अगर आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगाते हो तो। अब ये डिसीजन लिया है हिमाचल प्रदेश ने, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में भी पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कनाडा में आयोजित किया जा रहा है, कनाडा के वैंकूवर में 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहां से एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे हमारे प्रेजेंट टाइम के मानव संसाधन विकास मंत्री, और इनका नाम मैंने अभी आपको बताया, प्रकाश जावड़ेकर जी 17वें विश्व संस्कृत सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अब ये कनाडा में हो रहा है, तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। पहले आप मैप में देखिए, ये है कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो, जो भारत भी आए थे अभी कुछ टाइम पहले। जस्टिन ट्रूडो भारत के दौरे पर आए थे, और कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। तो इतना आपको कनाडा के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन अभी भारत के दौरे पर आए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट आए हैं, तो मैप में आप देख लीजिए, ये है साउथ कोरिया। ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये है नॉर्थ कोरिया, और जो नीचे दिख रहा है ये है साउथ कोरिया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। क्या है? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट तो यही आए हैं, मून जे इन, भारत के दौरे पर आए हैं, इनका नाम है मून जे इन। तो इतना आपको साउथ कोरिया के बारे में पता होना चाहिए। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की डिवाइडिंग लाइन को क्या कहते हैं? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच की डिवाइडिंग लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, उसी तरह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की डिवाइडिंग लाइन को कहते हैं 38th लाइन। क्या कहते हैं? 38th लाइन। तो ये आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की डिवाइडिंग लाइन को क्या कहते हैं? तो 38th लाइन कहते हैं इन दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय युद्धपोत INS त्रिकंद सद्भावना यात्रा में किस देश पहुंचा है? तो ये श्रीलंका पहुंचा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। INS त्रिकंद भारतीय नेवी का आधुनिक युद्धपोत है, और ये अभी सद्भावना यात्रा पर श्रीलंका पहुंचा है, और श्रीलंका की नेवी ने औपचारिक रूप से इसका स्वागत किया है। अब INS त्रिकंद श्रीलंका पहुंचा है, तो श्रीलंका के बारे में आपको बता देता हूं। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो गया है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। ये देखिए, ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे, दो कैपिटल मैंने आपको बताई थी। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, तो ये दोनों याद रखनी है। और श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मैत्रीपाला सिरिसेना। तो इतना आपको श्रीलंका के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा पर 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो डेटा पर अभी 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा न्यू दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डेटा पर सम्मेलन आयोजित करने का मतलब क्या है? तो आपने देखा होगा आए दिन खबरें आती रहती हैं कि ये डाटा लीक हो गया, ये डाटा लीक हो गया। तो डाटा लीक को बचाने के लिए और डाटा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए ये 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है कि डाटा पर 2 दिवसीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये नई दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्ञान उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है TK चंद को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है।
ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है टी के चंद, यानी कि डॉक्टर तपन कुमार चंद। अब इनको दिया गया है ज्ञान उत्कृष्टता पुरस्कार, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये प्रेजेंट टाइम पे नेल्को के अध्यक्ष है। आपने नेल्को का नाम सुना होगा, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नेल्को। ये एशिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इकाई है और इसके ये अध्यक्ष हैं। अब इन्हें ये पुरस्कार दिया क्यों गया? ये माइनिंग एक्सपर्ट हैं, खनन के विद्वान हैं, या इंग्लिश में कहें तो माइनिंग एक्सपर्ट हैं, इसीलिए इन्हें ये दिया गया है ज्ञान उत्कृष्टता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कितने साल की सजा सुनाई गई है? तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई है और उनकी बेटी है मरियम शरीफ, उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है नवाज शरीफ, और इनके साथ में जो खड़ी है वो है इनकी बेटी मरियम शरीफ। नवाज शरीफ को 10 साल की सजा सुनाई गई है और मरियम शरीफ को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अब ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो पाकिस्तान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देख लीजिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री यही थे नवाज शरीफ, इनके बाद बने प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी। लेकिन अब पाकिस्तान में अभी चुनाव होना है इसलिए अभी कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम आप याद रखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं ममनून हुसैन, और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। तो इतना आपको पाकिस्तान के बारे में याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश के साथ बिजली समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पाकिस्तान ने अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए मालदीव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब मालदीव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आप मैप में देख लीजिए, ये है मालदीव। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये है मालदीव। इंडिया श्रीलंका से नीचे आप जाएंगे तो ये द्वीप हैं छोटे छोटे, यही है मालदीव। मालदीव की कैपिटल है माले। मालदीव की करेंसी है मालदीवी रुपिया, और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यामीन। तो इतना आपको मालदीव के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने 18,500 राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया है? तो टर्की ने अभी अपने 18,500 राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। हिंदी में तुर्की लिखा जाता है और इंग्लिश में टर्की लिखा जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि टर्की ने अपने 18,500 राज्य कर्मचारियों को बर्खास्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये बर्खास्त क्यों किया गया है। तो टर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनको ये शक था कि ये लोग आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, इसीलिए इन्हें बर्खास्त किया गया है। अब टर्की के बारे में जान लेते हैं। पहले आप मैप में देखिए, ये है टर्की। टर्की की कैपिटल है अंकारा। टर्की की करेंसी है टर्किश लीरा, और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है तैयब एड्रोगन। स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, TAYYIP, TAYYIP, तैयब एड्रोगन, EDROGAN, ये है प्रेजेंट टाइम पे टर्की के प्रेसिडेंट। तो इतना आपको टर्की के बारे में भी पता होना चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में क्रिप्टो करेंसी लेन देन बंद करने का निर्णय किस बैंक ने लिया है? तो ये लिया था RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था, और लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया है, और मोस्टली लोगों ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। इसी तरह आप डिटेल में लिखने की हैबिट बना लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पेज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर लीजिए। हम जो क्वेश्चन पोस्ट करते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप उन क्वेश्चन का आंसर भी दिया करो। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर आप जरूर दिया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अपने करियर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे IndreshRC INDRESHRC इंस्टाग्राम पे IndreshRC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करना। आपके पास व्हाट्सएप पे जो भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो।
और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।